देखो गाइस कोई क्या कर गया, पार्किंग में खड़ी गाड़ी पे मार। ताकत लगाएं। अरे यार लगाते रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है न्यू डे और न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर हम निकल रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं। उसके बाद आज जितना घूमने घूम घुमा के रात को घर पहुँच जाना है हमें। तो बेसिकली अभी हम शायद हो सकता है बरसाना जाएं, तो हम कभी भी नहीं गए बरसाना, तो इसलिए आज हम जल्दी जल्दी सुबह उठ गए और तैयार भी हो गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं। हमें तो रास्ते में लंगर मिला, मैगी, कड़ी चावल और कोल्ड ड्रिंक। हम ब्रेकफास्ट किया नहीं था सुबह, हम सोच रहे थे अभी रुकते रुकते, इतने में हमें मिल गया। ये लो आप भी खाओ। धार्मिक जगह पे हो ना तो ये सब की बड़ी फैसिलिटी होती है, लंगर मिलेंगे आपको रास्ते भर, कुछ ना कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस खाते रहो, एंजॉय करते रहो। सो गाइस अब हम आ गए हैं बरसाना के मंदिर, ये थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ के है तो यहाँ पे आ गए। अब ये देखते हैं कहाँ तक जाता है ये रास्ता ऐसे चलने वाला। दर्शन बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर के, बहुत अच्छा मंदिर है। मैं कईयों की फोटोग्राफ्स वीडियोस में ये मंदिर देखती थी, तो आज हम भी आ गए यहाँ पे। बाकी अब देखते हैं कि अब हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं, आपको भी लेके जाएंगे साथ साथ। तो रहिए हमारे साथ, बने रहिए। हाँ गर्मी में कहीं ना जाएं, गर्मी लगेगी ये वो। यहाँ के टूरिस्ट को देखते हुए लगता है कि गर्मी में ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमता है, मुझे ऐसा लगता है। जिस हिसाब से इतनी ज़्यादा भीड़ देखी है मैंने हर जगह पे, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हॉलीडेज़ चल रहे हों या कुछ और ही चल रहा हो। तो टूरिस्ट को घूमने से मतलब होता है, उन्हें सर्दी गर्मी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं राधा रानी के, उसमें आके ना बस टेढ़े टेढ़े हुए जा रहे हैं।
गाइस, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राधा कुंड है और ये राधा कुंड और राधा कुंड और इसके बिल्कुल उस वाली साइड पे कृष्ण कुंड है। ये दो तीन कुंड एक साथ हैं, तो हम यहाँ से जा ही रहे थे, हमने सोचा यहाँ पर भी आ जाए। तो आप भी देखिए, कुंड के दर्शन कराते हैं आपको। तो यहाँ पर करिए कुंड के दर्शन। आलू की सब्जी है, बूंदी है और दो पूड़ी है। तो अब हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। गाइस पसीने तो बाहर रहे हैं बट मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे धार्मिक प्लेसेस पे घूम रहे हैं, आए हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है। कुल मिला के आओ, आप लोग भी एक बारी जरूर आओ, बरसाना वाले मंदिर जरूर जाओ, बहुत अच्छा है वो मंदिर। गाइज अभी हम रुके हैं यहाँ पे, गन्ने का जूस दिख गया था मुझे तो मैंने फटाफट रुकी, मैंने कहा पहले गन्ने का जूस पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और ये बरगद का पेड़ देखो कितना ऊंचा है, ऐसा करमपुरे में था हमारे वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा ही बना भी हुआ था चबूतरा सा, अभी भी होगा वो शायद, मे बी, पता नहीं मुझे तो। और यहाँ पे ये हैंडपम्प भी है, चला के देखते हैं इसे, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, लग रहा है गीले देख के तो लग रहा है कि पानी आ रहा होगा। गाइस पानी नहीं आ रहा है, ये तो पोपट हो गया। पापा मैंने सोचा हैंडपंप में पानी आ रहा है, चेक कर लूं, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा पे हैंडपंप में। ओ गाइस आ गया आ गया, मजाक हुआ था यार, अब मैं पैर धोऊंगी सबसे पहले तो यार। लो भाई पैर धोएंगे, चलाइए मीनू। वही कितना ठंडा पानी है, ताकत लगाएं। अरे यार लगाते रही हूँ। हाँ यार ठंडा ठंडा पानी है। आ जाओ पापा मुँह हाथ धो लो। हाईवे की वजह से ना इतना ज्यादा वो आ रहा है, बहुत ज्यादा रश है यहाँ, बड़े बड़े व्हीकल्स निकल रहे हैं ना। चलो गन्ने का जूस पीते हैं। ये मिल जाएंगे गन्ने के जूस वाले हो जाएंगे, और वो ककड़ी और वो खीरे वाले मिल जाएंगे, फ्रूट चाट वाले मिल जाएंगे, तो ये मज़ा आता है उस चीज़ से। रोको अपना गाड़ी, इंजॉय करो, खाते पीते जाओ। चलो गाइस अब सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा मेरा पैर पे गन्ने का जूस गिर गया था, उसको करूँगी साफ। तो ये कर लिया मैंने साफ, और अपने अब सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे मथुरा, क्योंकि एक्चुअली ना हम गलत आ गए, हमें पहले मथुरा जाना चाहिए था फिर बरसाना आना चाहिए था, क्योंकि बरसाना से दिल्ली ना जस्ट 125 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, बट अभी हम गलत आ गए थे आज, हमें तो बरसाना आ गए थे, तो अब पहले हम अब वापसी जा रहे हैं मथुरा, फिर वहाँ से हम जाएंगे दिल्ली। गर्मी है गाइस बट उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की, वरना मेरे को तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बर्दाश्त नहीं होती मुझे, वरना पसीना आ नहीं रहा, बट हाँ गर्मी है, अगर आप धूप के एक्सपोजर में हो तो गर्मी तो है। अब आगे आगे तो और भी ज़्यादा होगी, दिल्ली के कंपैरेटिवली ज़्यादा है यहाँ पे।
सो गाइज हम आए हैं गोकुल, जहाँ पे कृष्ण जी को टोकरी में लेके आए थे। तो ये वही जगह है, ये वही मंदिर है, वो मंदिर जाएंगे। इसके कैमरा अलाउ होगा तो जहाँ तक दिखा सकती हूँ वहाँ तक दिखाऊंगी, अदरवाइज हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और यहाँ पे बड़ी लूट है यार। पकड़ पकड़ के आपसे लेंगे पैसे कि इतने का वो चढ़ाओ, इतने का वो चढ़ाओ। कभी भी किसी के कहने से कुछ मत चढ़ाओ, जो आपका मन करे आप वो चढ़ाओ, बिल्कुल ठीक है। क्या कर गया, पार्किंग में खड़ी गाड़ी पे मार गया। ये हालत है, क्या बोला जाए लोगों को ना। ये देखो बैक कर रहा होगा या सटा के निकाली होगी और ये मिला आते हुए। यार गाइस मेरी गाड़ी मार गया कोई। चलो कोई नहीं, हिरन दिखाती हूँ आपको। गाइस हिरन दिखाती हूँ, वो तो ठीक करा लूंगी मैं। साथ में ऐसे ही होता है, मैं खुद नहीं का, मेरी आज तक खुद गाड़ी नहीं लगी कभी भी। मेरी पार्किंग में खड़ी होती है, आती हूँ तो देखती हूँ ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मेरे साथ तो बहुत ही बुराई हो जाती है, पता नहीं क्या। मेरे सामने कोई मारे ना तो उसकी ऐसी तैसी कर दूँ मैं अच्छे से। वो भी बहुत तेज लगते हैं इसके सींग। ये देखो गाइस कितने सारे हिरण ही हिरण है। गाइस देखो ऑस्ट्रिच कहाँ आराम से खड़े होके कि जा रहा है। कितने सारे हैं देखो। ये देखो भाई कितना सारा झुंड बैठा हुआ है, सारा हिरणों का है। ये धूप के मारे बेचारे उधर बैठ गए हैं, अभी आएंगे। और वो दूसरे वाले भी हैं उधर, अभी दिखाती हूँ रुको। घूम घूम के आज सुबह 7 बजे से निकले थे हम और अब शाम हो रही है 6 बज रहे हैं।
और अब हमने सब कुछ जितना घूमना था, जितनी बॉडी में चार्जिंग थी उतना हम घूम चुके हैं। अब चार्जिंग हो गई डाउन पूरी और होगी ओवरलोडेड और अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए फटाफट, क्योंकि इससे पहले की नाइट हो जाती और थकावट बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ से 150 किलोमीटर की दिखा रहा था तो मैंने कहा फटाफट निकलो पहले अब, क्योंकि इससे पहले कि मुझे भी आंखें झपकने लगती हैं मेरी भी, थकावट हो गई ना, क्योंकि सुबह से धूप में फिर ऐसे फिर थक जाता है बंदा। सुबह से ही ड्राइव हो रही है तो अब फटाफट दिल्ली पहुँचते हैं। तो गाइस आई होप आपने इंजॉय किया होगा, और वैसे भी दिल्ली वालों के लिए 150 किलोमीटर नॉट अ बिग डील। हाँ, नॉट अ बिग डील, और वैसे भी मेरे लिए तो कितना भी किलोमीटर नॉट अ बिग डील। मैं वैसे भी इंजॉय करती हूँ ड्राइविंग, चाहे कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कितना भी चलवा लो, घुमा लो मुझे।